Assalamualaikum. Welcome to another episode of the Mirza Malik Show. Thank you so much for all the feedback जो आप हमें हर हफ्ते इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मल्टी टैलेंटेड हैं। उनसे आप एक्टिंग करवा लें, उनसे आप होस्टिंग करवा लें, उनसे आप डायरेक्शन की कोई भी चीज़ करवा लें। और जो उनकी वाइफ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, वो क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्ट्रेस है। शी इज़ बीन पार्ट ऑफ सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लाइक सुनो चंदा और खुदा और मोहब्बत। प्लीज़ वेलकम यासिर हुसैन एंड इकरा अजीज। मुझे तो उछल उछल के आना। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। वेलकम टू आवर शो। सर बहुत जल्दी जल्दी चल के आना पड़ा ना। मुझे तो उछल उछल के आना पड़ा। क्या हाल है आपका? हाँ जी थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप मतलब हमारे शादी को काफी टाइम हो गया ना, बहुत साथ बैठे मैं अभी। आप हमारे शो के सबसे ब्राइट और चमकते गेस्ट है। मैंने कहा स्पॉटिफाई का शो है तो मैं हसन जहांगीर से कोट ले आया। अच्छा इकरा, आप मुझे ये बताएं कि you're just coming back from your baby break, so to say. तो क्या like does it feel different to work after having a baby? I think the same. I think of course it does. Same in a way that you know you are back to what you love doing every day, and that's amazing. बहुत अच्छी feeling है. But that the mom's guilt. Yes, that mommy guilt that you're leaving your baby and doing something which you actually love. Of course. तो मुझे लगता है feeling बहुत अच्छी है, but mommy guilt भी है थोड़ी. But trust me, that mommy guilt never goes away. No matter बच्चा, मेरा बच्चा भी 4 साल का. That mother's guilt is always something. Even my mom says कि तुम अभी इतनी बड़ी भी होगी, फिर भी she has mommy guilt कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती in some occasions. But it's good. I mean, I think कि आप as a woman you're setting an example that you can work after marriage and you can do what you love. पिछले दिनों मुझे कह रही थी, शूट पे गई जब अभी 2 साल बाद, तो कहती है कि मैं बड़ा बोर हो रही हूँ और मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने आगे से मैसेज लिखा, मैंने कहा ठीक है बेबी छोड़ दो काम, मैं देख लूँगा। तो फिर फॉरन मैसेज नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ही तो बिल्कुल ही खत्म करने पे तुले में। 1-2 दिन के बाद सही हुआ। हाँ, मैंने बोला नहीं मुझे ठीक होना पड़ेगा, वरना तो ये लड़का मुझे चांस दे रहा है कि मैं आराम से घर में बैठूं। मैंने कहा नहीं मुझे चांस। आप बताएं यासिर द एक्टर और यासिर द राइटर, व्हाट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन? इस वक्त तो शोएब मुझे डायरेक्शन में मज़ा आ रहा है सिर्फ, और किसी चीज़ में नहीं। राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मुश्किल है, आपको सिर्फ सोचना और लिखना है, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक्टिंग भी एक ऐसा काम है जिसमें आपको पूरी टीम चाहिए, और डायरेक्शन भी ऐसा काम है जिसमें आपको टीम चाहिए। तो जब टीम साथ होती है तो आप तो एक टीम प्लेयर हैं, आपको पता है कि काम कितना आसान हो जाता है। नहीं, आप खुद एक राइटर हैं, जब आप लिखवाते हैं स्क्रिप्ट को तो आप सुनते हैं या कहते हैं नहीं ये करो, नहीं ये लिखो? मुझे लगता है जिसका जो काम है ना वो ज़्यादा बेहतर करता है। मैं कभी नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं बाल कटवाने बैठ गया हूँ कहीं तो फिर मैं नहीं उससे पूछता कि तुम क्या काट रहे हो, फिर वो क्योंकि मुझे तो कैंची पकड़नी नहीं आती तो वही अच्छे काटेगा। तो अगर आप किसी से लिखवा रहे हैं, और तो मेरे अंदर का राइटर सिर्फ तब जागता है जब मैं सेट पर होता हूँ और मुझे लगता है कि ये सीन ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो मैं चेंज करवा लेता हूँ, वरना एज एन एक्टर मैंने आज तक किसी का स्क्रिप्ट नहीं चेंज किया कभी भी। अच्छा इकरा बताएं कि अब नाउ डू यू थिंक दैट आप अलग किस्म के रोल्स देंगे? ऑब्वियसली वी हैव सीन यू इन सुनो चंदा व्हिच वाज आल्सो वेरी फेमस बाय द वे इन इंडिया। बहुत सारे लोग इस शो को देखते थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई हैव वॉच्ड इट एज वेल। एंड तो डू यू थिंक दैट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ दैट यू आर यू नो ओल्डर और मोर मैच्योर्ड इन योर experience? I think I would love to do anything which is out of the box and which challenges me personally. मतलब मैं उसको age bracket में limit करके नहीं रखना चाहती. It can be anything. It can be a sad character. It can be a happy character. It can be a depression वाला character. It can be anything. Yeah, yeah. So do you regret playing any role so far? अब ऐसा कोई role था where you like अरे I wish I didn't play it. Yeah, no, or I played it differently. Not in reality. मैं एक्टिंग की बात कर रहे हैं। ड्रामों में भी हर कोई वाइफ का ही करता है, but no, नहीं, there's nothing. I love all my characters. You love everything. Because I think अगर कुछ ऐसा था भी जो मुझे शायद इतना नहीं पसंद आया या उसका outcome इतना अच्छा नहीं रहा, I still learned something from it. कि शायद इस तरह का कैरेक्टर नहीं करना या शायद इस तरह की टीम के साथ नहीं काम करना। इकरा का एक ड्रामा आया था जुनेद खान के साथ, जो इकरा ने अपनी जिंदगी के स्टार्ट में, कहीं करियर के स्टार्ट में किया था, बहुत ही बचपने में किया था, बेबी फैट था ना इतना, तो उन्होंने ड्रामा दोबारा लगा दिया। इसने ट्रेलर देखा तो परेशान हो गई, अभी ऐसे कह रही है मैं बड़ा कुछ सीखने को मिलता है मुझसे कि यार ये क्या, इस ड्रामे से क्या सीखने को मिला है बता दो, सारी सच्चाइयां मैं ढके छुपे लफ्जों में। नेक्स्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं? जी, जावेद इकबाल 2 में कर रहा हूँ एज एन एक्टर। वन थिंग अबाउट इकरा दैट चेंज्ड आफ्टर मैरिज स्लैश मदरहुड। इकरा में इकरा का ध्यान ज्यादा कबीर की तरफ हो गया, जो कि नेचुरल है। ये बहुत और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये अंदर से आवाज आई है यहाँ से, ये बहुत नेचुरल है, अंदर से आवाज आई है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, इसका ध्यान उधर बढ़ गया। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मेरा भी ऑब्वियसली बढ़ गया होगा, लेकिन मैंने देखा है कि वो ज़्यादा बच्चे के साथ उसने बहुत टाइम गुजारा है पिछले 2 साल तो, लेकिन वो अच्छा है, वो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे वाला 4 साल का है, लेकिन जो मर्जी कर लें। जब उसने रोना शुरू किया ना तो वो सिर्फ एक इंसान से चुप करता है, बस माँ होती है। माँ ये मुझे हर कोई बोलता है, और वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सेंसर बोर्ड करे ना करे हमें करना पड़ेगा। चले, इसके साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म होता है, बातें तो चलती रहेंगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज फंताक्षरी। वेलकम बैक टू द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अब हम पहुंच गए हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फंताक्षरी। इसमें फन भी होगा और कुछ गाने भी होंगे। हम आपको कुछ क्यूज देंगे और उस क्यूज से आपको वो गानों को गेस करना है। विनर को ऑफ कोर्स एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा एंड एक ही गिफ्ट हैम्पर मिलेगा Spotify की तरफ से। Let's play as a competition. 10 runs मिलेंगे सही जवाब के लिए और -5 मिलेंगे गलत जवाब के लिए। Spotify की मजेदार चीज ये है कि 8 करोड़ से ज्यादा गाने हैं, डाउनलोड करें जो आपके फेवरेट सॉन्ग हैं और एंजॉय करें। इस पे टैप करना है, ठीक है? If you know the answer. If you know the answer, if you don't know and you're wrong, then कर दें -5 हो जाएंगे। तो जब टैप करना तो जज साहब भी कहना है कि बस सादा। कुछ भी कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। चलें। फर्स्ट क्लू, अहमद जहांजेब रात भर याद। आपकी याद आती रही रात भर। 10 पॉइंट्स। 10 runs। 10 runs, जी ठीक है। अ सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बोल, जिसमें सज्जाद अली दिल के पैनिक करने का जिक्र कर रहे हैं। दिल परेशान है, रात भारी है। जो दिल से जो निकल रही है वो बता दे। दुख भरे गाने ये सब नहीं याद है, मैं ये नोटिस कर रही हूँ। शुरू हुआ ये उस वक्त से, सोफा भी शुरू हुआ। ओके। नेक्स्ट क्लू, अली अजमत रेन गिर आयो। गरज बरस सावन गिरे। हाँ, मैंने बोला थी बट बोला उन्होंने ना, गाना उन्होंने गा दिया। लेकिन टैप आपने किया। भाई कितने रन हो गए मेरे? नहीं अभी नहीं हुए, टैप उन्होंने पहले किया था। अरे तो पहले 2 सही मैंने बताए। हाँ, so you got 20 runs, now she's got 10. हाँ, लेकिन टैप मैंने पहले किया। अच्छा, अब सुने 3 वर्ड्स, चाचू, मैंगो और मीशा। Hot mango chutney sauce. Yeah. Very good, Iqra. Well done. Next clue is I'm a big, don't disturb. Farhan Saeed. ना छेड़ मलंगा नू। लेकिन मुझे याद है जवाब। ना छेड़ मलंगा अच्छा वाला दोस्त है मेरा। हंसी दिल दे मारे या। हाँ सही सही। गाना लेकर के 30 runs है, आप 20 पे है, come on. मौज, स्माइल, हदीका कियानी। मन्ने दी मौज। मन्ने दी मौज गा दें थोड़ा सा। ऐसे नाम बताने से तो भाई बता दो। मौज विच हंसना खेड़ना, मेरे ख्याल से यही था, थोड़ा बहुत याद हो गया। अगर मैं हैम्पर लेकर आई ना, आपको नहीं कुछ दूंगी। दिल में भी नहीं सोचना। 10 करोड़ गाने। 8 करोड़ से ज्यादा और वो भी फ्री में। चले। नेक्स्ट क्लू, सजना पतंग वो पतंग सजना से मैं बस यूं ही रह गई, मेरे हाथ स्लिप हो गया। ओके ले लो 10 पॉइंट्स ले लो। अच्छा ले लो सज्जाद अली का गाना जिसमें बस स्टॉप का मेंशन, मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा लारी अड्डा मैंने बोला बट ही sang it, और मैंने ये पहले किया था। अब मैं पहले और टाई ब्रेकर है, मुझे 40 40 ये टाई ब्रेकर है। ओके नेक्स्ट क्लू इज दिसंबर इब्रार भीगा दिसंबर भाई मैंने भीगा भीगा सा ये दिसंबर है सी तन्हाई है। कम ऑन इकरा लास्ट वन। ओके 50 यार मैं नाम तो ले रही हूँ एटलीस्ट आई नो द सॉन्ग। इसका कुछ एटलीस्ट +5 भी दे मुझे। 50 है -50 मिलेंगे। अच्छा अरे 50 होगी ताली बजाओ भाई। अच्छा 50 है बट इफ यू गेट दिस whoever gets this gets 20 points। पे पानी जूस पीने के लिए हमारी 50 पे कुछ भी नहीं हो रहा है हम। अच्छा ये लास्ट गाना है whoever gets this will get 20 runs so she has a chance to redeem herself। ठीक है जिता दो वैसे 40 50 20 runs on this question। ready guys हमायूं जूती जवानी तिल्ले दी तिल्ले चलिए कोशिश करें 20 पे नहीं जूती Do you know it? तिल्ले वाला नाम सुना ना, तिल्ले वाला नाम सुना ना, लेकिन इसमें नाम नहीं है। जुत्ती मेरी तिल्ले नहीं तिल्ले की जुत्ती। बताओ आप तुम ही बताओ जो 20 रन मिलेंगे तुम्हें। आपके लिए बिल्कुल गलत है माशाल्लाह। आप और शहजाद रॉय नहीं नहीं भाई तुझे फर्क क्या आबे हयात की है वो। मैं उनकी ना फनी स्टोरी सुनाता हूँ शहजाद रॉय की। तो हम लोग वेस्ट इंडीज टूर पे थे क्रिकेट टूर पे, तो वहाँ पे आके ना कहते हैं यार हम लोगों ने अमेरिका जाना है। ले मैंने कहा कब जाना है? कह रहे कल जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक। कह रहे मैं जिम कर रहा हूँ। मैंने कहा है जिम नहीं करो भाई, माचिस की तीलियाँ लो आप। आई ट्राइड वेरी हार्ड इकरा लेकिन the winner is finally Yasir। I was like तिल्ला तिल्ला Yasir। लेकिन बहुत ही इंटेंस और अच्छा मुकाबला था बिकॉज आप दिल लगा के आपने जो लड़ाई की है तो इसमें गाना जाने जो आप बजा देती हैं वो भी माइनस करे पहले। You have already won। तारीख पे तारीख तारीख Yasir को मिलता है runs पे runs। यासर को मिलता है Spotify की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जो शोएब अब जाके लेके आएंगे। अच्छा ये डब्बा खोलेंगे तो गाने शुरू तो नहीं हो जाएंगे? एक ही ऐसा ही है। यही बच जाएंगे सारे। नहीं बहुत ज्यादा है, 8 करोड़ से ज्यादा है तो कुछ सुन ले यहीं पे। वाओ इंटरेस्टिंग चीज लगी। आपको विनिंग स्पीच देनी है, आप विनिंग स्पीच भी दे सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा Spotify का और शोएब साहब का जिन्होंने पूरी कोशिश की मुझे हराने की लेकिन मैं फिर भी जीता। ये जो एंड में आपने 20 पॉइंट डाले थे ये कहाँ से डाले थे? मैंने डाले थे, इधर से आए थे। लेकिन मुझे आप पे कॉन्फिडेंस था कि आप नहीं हारेंगे इसीलिए मैंने डाले थे। मुझे शुरू में बोलते आपको जिताने के लिए मैंने पॉइंट्स डाले, अब वो जीते आपके लिए डाले थे। थैंक यू। और इस विनिंग स्पीच के साथ हम चलते हैं पेविलियन की तरफ। We are in conversation with Yasir and Iqra and you are watching the Mirza Malik Show powered by Spotify. अब हम खेलेंगे हमारा next segment जिसका नाम है Memify. This segment is based around social media और ये आप पे बहुत सूट करता है because आप हमेशा अपने social media की वजह से news में रहते हैं। मैं इतने पाकिस्तानी social media celebrities को नहीं follow करती मगर मुझे भी पता है कि आप हमेशा, मैंने आपको backstage already ये बात बोली थी लेकिन I like it। मुझे सानिया मिर्जा जानती है और मुझे क्या चाहिए। I like it क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है I call a spade as well। तो आप मुझे बताएं कि why do you think it's important to give a reply to something that you don't agree with क्योंकि इतने opinions होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा मेरा थोड़ा सा मैं बता दूं अगर आपको आइडिया ना हो कि मैंने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी को या किसी चीज़ को शुरू नहीं किया। शुरू किया है। इनफैक्ट मैं कभी भी कोई किसी की अगर जैसे शोएब मलिक की कोई कंट्रोवर्सी हो गई है और सब आवाम इनके पीछे पड़ गई है, तो मैं कभी भी उसके अंदर नहीं घुसूंगा। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी फेटर्निटी के एक आदमी को पीछे पड़ गए हैं लोग, तो बाकी लोगों को पीछे रहना चाहिए। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर मेरे पीछे कोई पड़ गया है ना, तो बाकी सारे एक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं हाँ। यासिर तुमने ये गलत किया है। इस जुमले की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कह रहे हैं कि गलत किया ऑलरेडी। उन्हें 2 साल बाद समझ आएगा कि गलत नहीं किया था, मगर वो सब पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करता, किसी की कंट्रोवर्सी हो मैं नहीं बोलता उसके अंदर। मैं हाँ नए सिरे से कुछ शुरू करना हो तो जरूर कर देता हूँ, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा टॉपिक हो। मेनली मैं सोशल इश्यूज पे ही बात करता हूँ और लेकिन आप ऑनेस्टली करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे अक्सर नहीं दिखाई देता, राइट, व्हिच इज वेरी रिफ्रेशिंग। इसीलिए वो थोड़ा ऑड लगता है। और अब मैंने देखा है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि सच जो है ना अब इतना कॉमन रहा नहीं है, आम घरों में भी नहीं रहा। जाओ बेटा बोल दो अब्बू नहीं है घर पे, यहाँ से बात शुरू होती है और उसके बाद बच्चा बताता है कि मैं कंबाइंड स्टडीज के लिए जा रहा हूं। हम लोग वैसे ज्यादा सीरियस रह ही नहीं सकते। हाँ? ऐसे ही ना, हम लोग ज्यादा सीरियस रह ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, और मुश्किल काम है वैसे। हाँ। बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। हाँ, क्योंकि इसी बात पे हम और मीम्स बनाएंगे, इसलिए हमारे सेगमेंट का नाम मीमोफाई है। सो हम आपको एक सिचुएशन देंगे, हम दोनों एक एक आपको देंगे, एंड आपको एनैक्ट करना है विदाउट सेइंग एनीथिंग, जस्ट विद द फेशियल एक्सप्रेशन, जिस ताकि हम उस पे मीम बना सकें। ओके तो यासिर, आई विल स्टार्ट विद यू। आर यू गाइस रेडी? यस, शी इज लुकिंग वेरी रेडी फॉर दिस। आई एम गुड विद एक्सप्रेशंस, आई एम ऑल ओके। तो यासिर, आई स्टार्ट विद यू। जब कोई लंबी सी लाइन है और जब कोई बीच में उसको तोड़ के घुसने की कोशिश कर रहा है, जो हर एयरपोर्ट पे होता है एंड एवरीवेयर, द देसी प्रॉब्लम दैट वी हैव। इमिग्रेशन वाली लाइन हुआ मेरे साथ। अच्छा, वो वहां पे जब सामान रख नहीं देते और बेल्ट पे क्रॉस कर जाते हैं, अब उसपे ना धक्का लगाना पड़ता है। पाकिस्तान में ना उसको धक्का देना पड़ता है तब वो सामान आगे जाता है, क्योंकि वो बेल्ट इतनी सी होती है, पीछे सिर्फ एक वैसी खाली होता है। तो लोग अपना अपना सामान रख के चले गए और वहां से बंदा मुझे कह रहा है आप धक्का लगाते जाए, तो मैं धक्का लगा रहा हूँ और सामान मेरे हाथ में। तो पीछे वाले जो मेरे थे उन्होंने भी अपना सामान रख दिया और जाने लगा, तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा मैं भी इधर ही हूँ। हाँ, मैंने भी वर्दी थोड़ी पहनी है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो फिर उसने उठा लिया अपना सामान। इकरा, आपके लिए, when you wake up to a good review of your work versus when you wake up to see Yasir post landing in a controversy, so two different acts. ये क्या first वाला है? The second one. अच्छा, landing in a controversy. Like again, like now what's new after this? ठीक है, and then first one. First one, when you wake up to a good review of your work. Like a queen. Like a queen. Well done, Yasir. जब आपकी a post is misunderstood, and when you trend for the wrong reason, what is your facial expression? ये तो हमेशा होता है ना आपके साथ, तो ये नेचुरली निकल जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीरियसली मैं सिर्फ हंसता हूँ, इससे पूछे मैं कभी जिंदगी में से मुझे परेशान नहीं देखा होगा इस वजह से, क्योंकि मुझे समझ आ गई वो कौन लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को, और उनको मैं समझाना चाहता भी नहीं हूँ और उनको कोई समझा सकता भी नहीं है। फिर आप एक दफा आप कैमरे में देख के ना वैसी स्माइल दे दें। Spot on. Iqra is like creepy for everyone who's gonna watch. Iqra, for you, when Yasir doesn't understand you versus when Yasir agrees with you. Okay, when Yasir doesn't understand. These are two. Yes. Okay, Yasir is. इनको एक-एक मिल रहे हैं, मुझे दो-दो मिल रहे हैं। आप एक्टर हैं। आपने पहले बोल दिया था ना कि मेरा तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। मैं भूल गया था एक चीज कहना। एक्शन। अच्छा, when Yasir agrees with me? Yes. Okay. जीते रहो, सलामत रहो। And when he doesn't agree, बात नहीं करूँगी, नाराज़ हूँ। Oh well. But वो बात करेंगे? He has to. करनी पड़ ही जाएगी। और ऑप्शन ही क्या है? और ऑप्शन ही क्या है? अच्छा, आप क्रिकेट देखते हैं? I assume बहुत सारा। तो एक एक्सप्रेशन दे दे जब आपका कोई भी पाकिस्तान का मैच चल रहा है और किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैच। वो दे सकते हैं आप? वो देना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना है आप बोल भी सकते हैं। मैं वही कहूंगा जो वसीम भाई कहा करते थे कैश ड्रॉप होने पे। डिजिटल शो है कह दें। हाँ? हमने तो वापस गैरी जाना है ना। लेकिन हाँ सच में गाली निकलती है मुंह से अगर कैश ड्रॉप होता है। आप तो फील्ड में रहे हैं, इनके मुंह से भी गाली निकलती होगी जब इनकी बॉल पे कैच ड्रॉप। सुन लो कि गाली निकलती है। ये नेक्स्ट टाइम जब कैच ड्रॉप एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो स्पोर्ट्समैन है ना या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनके साथ एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है, उनके साथ एक तो एक मुल्क की मोहब्बत जुड़ी होती है, तो उस वजह से अगर गाली भी उनको देते हैं ना उसी लम्हे इंसान खुद रिग्रेट भी करता है, अपने आप से शर्मिंदा भी होता है, और शायद अगले ही मैच में या कुछ ही दिनों बाद आप दोबारा उसकी तारीफ कर रहे होते हैं या कुछ घंटों बाद आप उसके पुराने मैचेस की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तो ये चीज़... आप अपने जैसे लोगों की बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको रिग्रेट नहीं होता। आई प्रॉमिस यू मैं भी स्पोर्ट खेलती हूँ। मुझे पता है बहुत, मतलब फैंस जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, लाइक यू से आ जाता है फैन, स्पोर्ट्स का फैन ना घूम के वापस आ जाता है। एक्टिंग और इन चीजों का जो फैन है ना वो तो मैंने देखा लोगों ने किशोर कुमार की कैसेट्स उसमें डाल दी दरिया में, जो कोई नया सिंगर आया तो मतलब ये भी होता है। चलो मैं तो कहती हूँ गाली दे ही दो फिर, आप एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में दे दें, एक्सप्रेशन से गाली दे ही दो, उससे बेहतर ये समझने वाला समझ जाएगा। ये सबसे फेमस होने वाला है। बर्गर्स खाती हैं बहुत, बनाती भी बहुत अच्छी हूँ, और दाल चावल भी एक दफा दो दफा बनाए थे। हाँ, हाँ। तो बस फिर आपके लिए तो आइडियल है। When you are eating a burger versus when you are eating दाल चावल, two different expressions. Burger. इसमें एक्सप्रेशंस होते ही का है, आपके तो हाथ गंदे होते हैं, and you're just so much into the plate कि आपको बर्गर खाने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है आपका, फर्स्ट बर्गर खाने के बाद ये है, there's nothing else you can do. दाल चावल खाने के बाद तो नींद है, आप बस खा के सो जाती हैं। दाल चावल हाथ से खाती हैं? दाल चावल हाथ से, मतलब चावल हाथ से। हाथ से ना, तो फिर तो दाल चावल के बाद ये होता है। वैसे होना चाहिए, बनता है दाल चावल और होता भी है। अचार साथ में हो, आहा हा लाजवाब। पापड़ भी कर लो। चले, थैंक यू गाइज, यू आर वॉचिंग द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है यादों की बारात। आप लोग देख रहे हैं द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अब वक्त हुआ है यादों की बारात। यादों की बारात एक ऐसा सेगमेंट है जिधर हम आपको एक सिचुएशन देंगे अपनी लाइफ के बारे में या कोई इमेजिनरी सिचुएशन, तो उसमें आप बस जो गाना आपके मन में आता है आफ्टर हियरिंग दैट आप बताएं इट्स रिलेटेड टू योर लाइफ, क्योंकि म्यूजिक हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हिस्सा है फॉर मेनी रीजंस। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन जल्दी से पूछ लूं। एक ऐसा गाना जिसका कोई सर पैर ना हो मगर आपको पसंद हो। यासिर आप बताएं प्लीज। ऐसे सवाल आप मुझसे पूछते हैं। सर पैर नहीं है तो मुझे पता होगा। गिल्टी प्लेजर सॉन्ग है। सर पैर ना हो लेकिन आपका फेवरेट हो। है। हाँ कौन सा? हाँ इकरा हेल्प कर सकती है। आजकल तो कोको मेलन है। कोको मेलन हम सबका वही है। व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड। मेरी सुबह इससे होती है। अब एक नया चल रहा है, गुड मॉर्निंग सॉन्ग है, मैं उसकी लिरिक्स भूल गई हूँ, but it's good morning, it's sunny day outside, पता नहीं क्या है कुछ शेयर करके, so कबीर loves it, so हमारे लिए तो it doesn't make any sense, we all relate to it, so it is, but this is something, हाँ, this is our guilty pleasure for because of the people. एक फिल्म थी इंडियन आमिर खान की मन, उसका गाना था तिनक दिन ताना ये धुन तो बजाना। मुंह से बात करता तिनक दिन ताना बजाते, गिटारिस्ट को बताएंगे जरा टिडिंग 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 बजाते। वेरी गुड यासिर। अच्छा इकरा, व्हाट इज अ सॉन्ग के आप व्हेन यू वर अ यंग किड यू लव डांसिंग टू या लव लिसनिंग टू? नॉट व्हील्स ऑन द बस। बोले चूड़िया बोले कंगना, बिकॉज आई लव्ड हर ड्रेसिंग, तो मैं हमेशा इमेजिन करती थी अपने आप को शीशे में कि मैं ऐसे कपड़े कभी बनाऊंगी, ऐसे करीना कपूर की तरह, ऐसे बोले चूड़िया पे, ऐसे ऐसे चूड़ियों में। And you like dancing? We've heard you like dancing. Yes, kind of. Yeah, you do. Then I'll sing this song and you dance. बैठे ऐसे बोले चूड़ियाँ बोले कंगना तेरे बिंचियों नहीं लगता मैं तो मर जावा ले जा यही स्टेप था पता नहीं कब कुछ था but yes well done well done I did something on the Mirza Malik show okay first dance yes बैठे but in a mid shot there is something Yasir a song that can be background song of your life और रूटीन या कुछ भी कह लें आप लाइफ का तो जब कैसा भी मूड है पीछे बैकग्राउंड में जो है ना आप चाहते हो वो गाना चल रहा हो आबिदा परवीन का एक है ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम गा दें ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है ताबीर है जिसकी हसरत ओ गम है हम नफसो वो ख्वाब है हम ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है Well done. Very well, well done. अच्छा वैसे तो गाते हैं। खासा गा लेता हूँ अच्छा नहीं गा। अभी मैं सिर्फ थोड़ी देर पहले ये रियलाइज कर रही थी मैं यहाँ बैठ के बोले चूड़ियाँ कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के आबिदा परवीन के जोन में चले हुए किधर कहाँ है हम सेम लेवल पे क्या हो क्या रहा है Opposite attract. It is very opposite. सेम लेवल पे होना भी नहीं चाहिए। हाँ, of course. नहीं तो it would be really boring. अगर ये इससे पहले पठाने खां की काफी कहती और मैं आबिदा परवीन तो मैं दिल में कहता ये अपनी दौर बड़ी फलसफी चल रही है इसी बात पे हमारी लड़ाई हो जाता अच्छा इकरा कोई ऐसा गाना that reminds you of your dating days when you guys were not married yet we were listening to a song जो इनको पसंद था और मुझे सख्त जहर लगता था कौन सा था ये नहीं बकवास गाना मेरे पे ना डालो नहीं मुझे पता ही क्यों ना ऐश्वर्या एंड राजकुमार राव का वो जो एक रीमेक बना था हाँ अच्छा गाना था यार वो क्या हो गया वो मुझे नहीं पसंद था ऑलवेज ऑन द यूट्यूब ही इज लाइक ये गाना और मैं वहाँ पीछे बैठी हुई हूँ कि ओके फिर से वही कौन सा गाना था अब याद नहीं आ रहा मुझे फन्ने खान फिल्म का गाना था फन्ने खान फिल्म का कोई गाना था ये जो हल्का हल्का सुरूर है रीमेक था बट इट वाज अ रीमेक सो आई डिड नॉट लाइक इट अच्छा उस तरीके से अच्छा तो गाना है गाना अच्छा देखा अच्छा गाना है ओरिजिनल आई वाज सो मच इन लव विद द ओरिजिनल या फिर कोई ऐसा गाना जब आप लो हैं कोई भी क्लासिक गाना जब आप लो हैं और आप सुनते हैं हाँ आजकल मैं तो फैज अहमद साहब को सुन रहा हूँ उनके कुछ गाने बहुत ही कमाल है 2 lines of any song लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से चले मूड कोई भी हो आप ये सारे गाने सुन सकते हैं Spotify पे इसके साथ ही हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद The beautiful couple Yasir and Iqra, and you are watching the Mirza Malik Show, powered by Spotify. और अब time हुआ है rapid fire का. Rapid fire round में आप लोग को बहुत जल्दी answers देने होंगे. They're just random questions. पहले कौन जाएगा? पहले मैं जाऊँगा मुझे देर हो रही है. पहले आप. कोई आलमगीर का गाना सुना दें जल्दी से. कह देना आँखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है आँखों में I think lyrics गलत हो गए नहीं, लिरिक्स सही थे। हम अलग अलग बीट पे चुटकियाँ बजा रहे थे, मैं बंद ही कर दी। मैंने कहा मैं और मजीद मामला ना खराब कर दूँ, मैं अलग बजा रही हूँ, वहाँ से एक अलग आ रही है। But yes, मैं तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऐसे ही कर रहा था कि बंदा बोर ना हो जाए कोई। आप लोग तो दोनों नहीं बजा रहे थे। नहीं, मैं यहाँ से बजा रही थी, मैं ऑफ बीट थी ना, तो मैं हम लोग आवाज एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहदी हसन को बुला लिया। किस पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रिसेंटली टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पे फीचर किया गया? रूज आफ्ताब को। Correct. Correct. Well done. Very nice. Rapid. This was your rapid fire. Very well done. This was your rapid fire, जिसमें आप rapid बिल्कुल नहीं थे, लेकिन but fiery, fiery आवाज में fire था। सिर्फ fire ही fire था, rapid बिल्कुल नहीं था। लेकिन Iqra, your turn. Okay. A song from your Spotify list. Playlist. केसरिया. केसरिया. Beautiful song. What's your favorite band? Strings. Strings. Give us 3 songs that have the word Pia in them. Pia, Pia, oh Pia. मैं भी अभी वही सोच रही थी। Pia Haji Ali, Pia Haji Ali, Pia Haji Ali, Pia ho. हाँ, इस तरह से we'll give it to you. Okay. क्योंकि आपने 3 words गए हैं। No problem. Same 2-3 साथ भाई वाले। ओरे, ओरे पिया। Well done. आप होस्ट हैं, गेस्ट नहीं है, बट ठीक है। हाँ, मैंने तो एक ही किसी की हेल्प की है, और ये यहाँ बैठ के होस्ट है, गेस्ट नहीं, और आप बिल्कुल भी सपोर्टिव और हेल्पफुल नहीं। उधर तो छोड़े, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, आपके लिए एक और क्वेश्चन रह गया था जो मैं पूछूंगी। 3 सॉन्ग्स दैट हैव द वर्ड दिल इन देम। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। पहले गाना अब शो के आखिर तक ना, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मैंने कहा मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी तस्वीर। सही है। एक और बता दें। मैडम का ये दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी। मैं मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ। चलें, वेरी गुड। हम सारे ही हैं। ये बहुत ही म्यूचुअल रैपिड फायर था। वी डोंट नो कौन जीता और कौन हारा। चारों हार गए मुझे लग रहा है। आप हैम्पर हमें देते हैं, हम मिलके ले लेते हैं। This was just a warm up. अब हम चलेंगे हमारे फाइनल मैच की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट और फाइनल सेगमेंट। वेलकम बैक टू द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई। अब हम आ गए हैं हमारे फाइनल मैच की तरफ। ये मैच में आप अब 2 चीजें आपको चैलेंज करेंगे। हम एक दूसरे को बॉल फेंकेंगे एंड शोएब इज गोइंग टू शूट क्वेश्चंस एट यू। ये रैपिड होगा, पहले हम इकरा के साथ खेलेंगे और फिर आपके साथ खेलेंगे। बॉल नहीं, आप बहुत टेंस लग रही है इतना। मैं तो ये सोच रही हूं इन्होंने जिस तरीके से फाइनल मैच नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से बॉल उठा के यूं करी है ना, ये बस ये है फाइनल मैच। ये मुझे समझ आ गया है कि बॉल किस स्पीड से आने वाली है मेरी तरफ और मुझे किस तरीके से बचाने के इनको ना लगे। मैं आपकी टीम में होने की कोशिश करूंगी। बॉल नहीं गिरनी चाहिए और आंसर जैसे क्वेश्चन देने चाहिए एंड वेरी फास्ट। ओके, ठीक है। ओके, शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। इकरा, आर यू रेडी? यस, आई एम काइंड ऑफ रेडी। कभी झूठ बोलकर कीप कैचिंग द बॉल गाइस। चले 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 चले, रैपिड फायर है। ओके, आपने कभी झूठ बोलकर स्कूल की छुट्टी नहीं की? मैंने की है। आपने कभी किसी के मुंह पे झूठी तारीफ नहीं की? बिल्कुल की है। आपने कभी यासिर से कोई जिद नहीं की? बहुत की है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? नहीं पता। 3 चीजें जो यासिर शौक से खाते हैं। घर का खाना। वो तो सारे ही खाते हैं। Keep catch and not make it more. बिरयानी? नहीं, बिरयानी मेरी फेवरेट है, सॉरी। दाल चावल, रोटी and anything after that. Good thing I have reflexes. चले, so sorry. 3 चीजें जो टांगों में पहनी जाती हैं। पायल, जूते। सही है, करेक्ट है। वेरी गुड इकरा। ये शी इज लाइक 2 दफा आपने बॉल गिराया। मैं बचाने की कोशिश कर रही थी किधर से बच जाए। ये आपका हो गया फाइनल मैच. अब लेट्स होप कि यासिर वो बॉल ज्यादा बार गिराते हैं और गलत आंसर देते हैं. खड़े होकर कर सकता हूं ये? आप कुछ भी करके कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं अगर आपको करना है. मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस, आप रेडी हैं? आप बाउंसिंग स्टार्ट कीजिए. आपने कभी एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है? आपने बिना इनविटेशन के शादी में गया नहीं गए हैं? गए हैं. आपने कभी इकरा से बिला वजह बहस नहीं की? इकरा से बिला वजह किया. सबसे बड़े प्लैनेट का नाम बताएं. सबसे बड़ा प्लैनेट है 5, 4, 3 नहीं, जुपिटर. यस, जुपिटर. 3 चीजें जो लड़कियों पे अच्छी लगती हैं. लड़कियों पे अच्छी लगती हैं काजल अच्छा लगता है, और उसके अलावा मुझे झुमका अच्छा लगता है, 2 और परांदा भी अच्छा लगता है. हो गया. और क्या? परांदा बताया ना, परांदा. अब वो आपने पहले कहा था पीछे देखते तो मुझे परांदा मेरे जहन में आ गया. मैं क्या करता हूं तो मैंने वो ऐड कर दिया. 3 नाम जो आई से शुरू होते हैं. इकरा, ईमान, इरफान. इरफान, अच्छा. और ये आपका लास्ट सवाल है. 3 काम जो लोग शादी के बाद करते हैं. 3 काम जो शादी के बाद करते हैं. 5, 4 क्या वलीमा, हनीमून, अच्छा, और बच्चा. But you won. Wow. Well done. Very well done. Good answer. Anyway, the hamper is coming home. It's okay. बहुत ही थ्रिलिंग मैच था, लेकिन आप जीत गए. आपके आंसर्स भी थोड़े लेट थे, बट वी विल गिव इट टू यू क्योंकि आपने बॉल ड्रॉप नहीं की. हाँ, लेकिन लेट तो नहीं था आंसर. क्योंकि मैं 2 पे रुक गई थी 30 सेकंड. नहीं, लेट नहीं थे, लेकिन जल्दी भी नहीं थे. यार, मुझसे आपने चीजें 3-3 पूछी हैं सारी. तो आप स्मार्ट है ना, उनसे भी 3-3 चीजें पूछी हैं. लेकिन मुझसे वो नहीं पूछी. अब आप जीत गए हैं. बिल्कुल, आप करने नहीं दे रहे. आप कह रहे हैं आज जीत तो गए लेकिन वो गलत था. जैसे कि शुएब तुमने सेंचुरी तो बनाई लेकिन वो शॉट तो बिल्कुल ही सस्ता था. ये कोई कहता है क्या भला? मैं देखें अभी क्या खेले हैं सर आप. मजा आ गया, मैं फैन हो गया हूँ आपका. ऐसा ही रैपिड फायर मैं भी करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में. एग्जैक्टली. बट योर फोकस लेवल वाज टू गुड, आई मस्ट से. क्योंकि मैं देख सकता था कि आप ना, एक तो या तो आप यूर गुड एट टेबल टेनिस. बिल्कुल भी नहीं. मैंने लेकिन मैं 2 दफा खेली. नहीं, 2 दफा बहुत होता है इस गेम के लिए. वाओ. Edit. She's like कैंची चल पड़ी है. But you were very good. Thank you. With this, आप हमें बताएं आपको मजा आया शो पे? How did you feel? बहुत मजा आया, और स्पेशली आप लोगों की होस्टिंग में बहुत मजा आया. Exactly. We had so much fun. हाँ, क्योंकि इतना नेचुरल था सब कुछ. उसकी वजह से हम लोग भी बहुत भावनाओं में बह के हमने बड़े गाने गा दिए, मीम्स बना दिए, एक्सप्रेशन दे दिए, और अब ये शो के बाद हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया, बिकॉज अभी तो हमने कर दिया है भावनाओं में बह के. ये आप दोनों की वजह से हुआ. हाँ, we got the same energy from you guys. It was so good to meet you all for the first time for me, लेकिन so good to have you on our show. Thank you for so coming much. And hopefully we'll meet when the cameras are not rolling next time. देखते रहिए उर्दू फ्लेक्स. अल्लाह हाफिज. See you all next week. आंखों के दो मस्त हैं इनके. तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का नहीं ले गए. नहीं तो के ले जाए. My God. He is just showing it. ये सिर्फ आप सबके सामने कर रही है. और मेरी भी बिल्कुल शक्की मिजाज है. चले जिंदगी में नहीं किया मैंने. सब मुझे कहते हैं तुम्हें मसला नहीं है. मैंने कहा नहीं, मुझे मसला नहीं. वैसे वाकई मेरी भी बिल्कुल शक्की मिजाज है. क्या आपकी भी शक्की मिजाज है? तो आज ही लीजिए ये कैप्सूल. इकरा बताएं, ऐसी कोई फनी डीएम आपको आई है जो आपके, मतलब वी ऑल गेट सो मेनी डीएम्स और कमेंट्स, तो मेरे पास भी हैं 1-2 ऐसे वियर्ड क्रीप्स जो अजीब से कोई करते हैं. इज देयर एनीथिंग लाइक स्टैंड्स आउट कि जस्ट बहुत फनी था? नहीं ना, वो तो घर वालों के मैसेज नहीं पड़ती क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो मैं I was trying to read your face expression, so I read them well. लग नहीं रहा ये समझ भी रही है आपका सवाल तानिया। नहीं, but I actually don't read the comments क्योंकि अच्छा, any kind of rumor about इतने rumors I'm sure होते होंगे। It was with us when he proposed me, so everyone was like कि नहीं तुम्हें तो पता था, तुम्हारा जो रिएक्शन अवार्ड शो में जो था, he proposed to me and he was like सब ने कि नहीं नहीं इसको तो पता था, इट वाज ऑल प्री प्लान्ड, ये तो होता ही नहीं है। नो ऑफ कोर्स आई डिडंट नो, मतलब तो उस पे फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपको लगता है मुझे पता था, ओके मुझे पता होगा, बट बिकॉज आई डोंट थिंक प्रॉब्लम हो जाती है अगर पता भी होगा तो उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या दे वांट टू नो द ट्रूथ, दे आर द इन्वेस्टिगेटर्स। और जब मैं ट्रूथ बताता हूं तो मेरे मामले में ट्रूथ बताते हैं तो आपको कहते नहीं आप गलत थे, आपने क्यों बताया।